2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, अ मैन वेव्स हिज आर्म वाइल वॉकिंग, एक आदमी अपने हाथ को हिलाते हुए चलता है, दिस इज, क्यों चलता है? क्योंकि टू कीप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अपने वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट रखना चाहता है। सेकेंड ऑप्शन बोला है टू इज टू टेंशन, टेंशन को कम करना चाहता है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है। टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ अर्थ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी को वो क्या करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। तो थोड़ा सोचो इसके बारे में, अगर एक इंसान अपने हाथों को एक पैडल की तरह यूज करता है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मूव करते हो किसी भी सरफेस पे, तो अगर आपका सपोज कर सरफेस है और आप ऐसे यूं मूव कर रहे हो, ओके, अगर आपको हाथ नहीं हिलाओगे और सीधे ऐसे मूव करते जाओ, तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। और आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया जानते हो कि लाइक, मतलब कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहना चाहता है, और कोई बॉडी अगर रेस्ट मोशन कर रहा है तो मोशन पे रहना चाहता है, बट आप उसे बिना मूवमेंट के मोशन करा रहे हो, इसका मतलब कि आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथों को वेव कर रहा है। वेव करने से उसको फ़ायदा क्या होगा, जो उसका सेंटर ऑफ मास उसके चलने की वजह से यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जा रहा है, तो उसके हाथ भी मूव करके उस सेंटर ऑफ मास को उसी पोजिशन पर बरकरार रखें, ताकि वो इंसान गिरे ना। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है, टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, या फिर ऐसे बोलो अपने सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रखने के लिए वो करता है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।